जी आइए सुनते हैं सूचना प्रसारण मंत्री को। राहुल गांधी कल रक्षा विषयक स्थायी समिति के बैठक से वॉकआउट कर गए। उनका कहना था कि महत्वपूर्ण विषयों के बदले छोटे छोटे विषय क्यों लिए जा रहे हैं। शायद उनको पता नहीं कि एजेंडा तय करने की भी बैठक होती है कि इस वर्ष में क्या क्या विषय लेने हैं। उस बैठक में तो वो अनुपस्थित थे। पिछले डेढ़ साल में कुल मिला के 14 बैठक हुई। 14 बैठकों में से दो ही बैठकों में वो उपस्थित रहे, 12 में एब्सेंट रहे। अब खुद अनुपस्थित रहेंगे जब एजेंडा में विषय सुझाने का विषय था तब नहीं बोलेंगे। उनके साथी भी जो विषय वो कहना चाहते वो नहीं बोलेंगे और फिर दोष देंगे सारी व्यवस्था को, भाजपा को, कि इस तरह से हम महत्वपूर्ण विषय नहीं लिए जा रहे। कैंटोनमेंट का विषय हो या बाकी विषय हो, सदस्यों ने जो बताए वही विषयों की चर्चा होती है। लेकिन ये भी उनको मालूम नहीं। और तो और उनको संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कितना आदर है, वो वॉकआउट कर गए एज इफ ये कोई प्रोटेस्ट का केंद्र है। स्थायी समिति में प्रोटेस्ट और पब्लिक के लिए भाषण देने का नहीं है स्थान वो। और हमें मालूम है राहुल गांधी जी ने जब वो सत्ता में थे तब भी मनमोहन सरकार ने जो एक प्रस्ताव पारित किया था कैबिनेट में, कैबिनेट के फैसले को आप सबके समक्ष पत्रकार वार्ता में वो फाड़ दिया और कचरे की टोकरी में डाल दिया। तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उनकी यह आस्था है और वही कल दिखा कि डिफेंस कमिटी से बाहर भी आए और उसमें क्यों बाहर आए ये बताया भी बाहर आके। स्थायी समिति के बैठक का रिपोर्टिंग नहीं होता है और मेंबर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू गिव देयर रिएक्शन। लेकिन ये पहले अनुपस्थित रहेंगे, अपना जो एजेंडा चाहते हैं वो बताएंगे नहीं और फिर अचानक 14 में से दो ही बैठकों में आएंगे और बैठकों में आकर फिर ये कहेंगे कि महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा नहीं हो रही है। ये सांसदीय प्रणाली को और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है। ये संवैधानिक संस्थाओं के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसका ये परिचायक है और जब पहले ऑर्डिनेंस फाड़ा था वो भी इसी का उदाहरण एक है। और इसलिए हम इस रवैये की भर्त्सना करते हैं और राहुल गांधी को संवैधानिक संस्थाओं का आदर करने सीखना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र में उनकी भूमिका और नगण्य होती जाएगी।